ओगेदर नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, जिसका आपको इंतजार था। 20 to 25 मार्क्स इन वन आवर। तीन बातें मेरी ध्यान से सुन लो। सबसे पहला चीज के जितनी भी थियोरी चैप्टर्स है सारा इसमें इंक्लूडेड है, प्लस नॉन थियोरी चैप्टर्स लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, डेरिवेटिव्स, सारा का सारा थियोरी। अब मैं आप लोगों के साथ जो पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ उसके ऊपर जो मैंने लेक्चर लिया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, क्लिक देयर एंड डाउनलोड इट एंड डू इट इमीडिएटली। एग्जाम में जाने के पहले एटलीस्ट 2 या 3 बार ये पूरा थियोरी सुन लेना, बिकॉज वी नो 20-25 मार्क्स का थियोरी आता है, कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, एंड सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है प्लीज डेफिनेटली क्लिक अ लाइक एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनका भी एएफएम है या अब वो लोग एग्जाम देने वाले हैं। थर्ड, कमेंट में प्लीज लिख देना दैट यस आई विल सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन एएफएम एंड दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव मी फॉर दिस इनिशिएटिव। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ऑल आई नीड इज 1 आवर। एग्जाम के जस्ट पहले जब आपको वो जो 1 घंटा मिलता है तब आप फॉर्मूलाज और वो सब में अपने आप को डू नॉट गेट टू मच इन्वॉल्व इन दैट। एट दैट पॉइंट इन टाइम ये 1 घंटे का वीडियो आपको सुनना है, उसके पहले सोने के पहले 1 घंटे पहले आपको ये वीडियो सुनना है। और अभी भी अगर आपको टाइम मिलता है 1 घंटा ये वीडियो सुन लेना स्पीड के ऊपर। सो ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर में 3 बार आप ये वीडियो सुन लोगे एंड आई थिंक अगर ये एग्जाम में आता है आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। सो क्या एग्जैक्टली है इस पूरे के पूरे थ्योरी बॉक्स में, तो हियर इट इज। सो फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, सारे के सारे चैप्टर्स जहां पे जिसमें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट थियोरी है जो एग्जाम में आ सकता है, आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ दैट। स्टार्ट करने वाला हूं मैं चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन के साथ। तो पहले मैं फर्स्ट 5 जो अपने नॉन थियोरी चैप्टर्स है वो करवाऊंगा, जैसे सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशन आई मीन वो सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर एंड स्टार्टअप फाइनेंस, एंड देन फिर बाद में वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, इस हिसाब से पूरा वर्कआउट होगा। सो फटाफट ये आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इमीडिएटली ओपन द सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर। एंड ये सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर इज नाउ वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। लेट द गेम बिगिन, लेट्स गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन एएफएम एंड उसमें से 15-20 मार्क यहां से आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। प्लीज बैलेंस रखना अपनी स्टडीज को, प्रैक्टिकल तो करना ही है, थियोरी को भी उतना ही अच्छी तरह से अपन लोग ने कर लिया ना, देन नथिंग कैन स्टॉप अस। और ये एक एक दो दो मार्क ही अपने को एग्जेम्पशन एंड गुड मार्क्स की तरफ खींचेंगे। आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव, एज आई टोल्ड यू यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हुएवर नीड्स दिस, एंड कमेंट जितना अच्छा कर सकते हो अपने आप के लिए करो सो दैट यू गेट what you desire. Let the game begin. Securitization. तो securitization का मतलब होता है converting the illiquid assets in the balance sheet of a bank into liquid assets by creating financial instruments. तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि समझो आप लोग बैंक में गए और बैंक में लोन लिया आपने, जैसे ही आपने लोन दिया आप लोन के लिए कुछ मॉर्गेज के अपने सिक्योरिटी पेपर्स बैंक को दे दोगे। तो बैंक के एंगल से सोचो, बैंक ने 500 करोड़ का लोन दे दिया है टू वेरियस एंटिटीज एंड अब बैंक के पास बहुत सारे मॉर्गेज पेपर्स पड़े। अब उस मॉर्गेज पेपर का क्या करेगी बैंक, तो बैंक कन्वर्ट कर देगी उनको एक एसपीवी पे। सो बैंक अपना एक एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाएगी, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास सारे के सारे ये जो पेपर्स है मॉर्गेज के पेपर जिसको बोलते हैं अपन लोग इनलिक्विड एसेट्स, वो एसपीवी के पास दे देगी। एसपीवी विल कन्वर्ट देम इनटू बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स इट विल सेल, द एसपीवी विल देन सेल द बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए एक सिक्योरिटी रहेगा इन द फॉर्म ऑफ दोज इनलिक्विड एसेट्स, जो पेपर्स पड़ा है दैट वर्क एज अ सिक्योरिटी। सो दिस कन्वर्जन फ्रॉम इनलिक्विड सिक्योरिटी टू लिक्विड सिक्योरिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। सो इसका बेनिफिट फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो अब तक ये जो मेरे पास खाली मॉर्गेज पेपर्स, बैंक के होम लोन्स और वो सब पेपर्स थे, दे आर नाउ कन्वर्टेड इन टू बॉन्ड्स एंड वी हैव न्यू इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू गिव अस मनी। वो जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उससे बैंक और लोगों को लोन दे पाएगा। बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, तो पहले अपन लोग ने क्या किया, ये सारे के सारे पेपर्स अपने पास आ गए, तो 500 करोड़ का अपने पास पेपर्स पड़ा है उसको हम लोग ने अनबंडल किया। अनबंडल किया मतलब उसको अलग अलग ट्रांचेस में डिवाइड कर दिया सो दैट वी कैन इशू वेरियस बॉन्ड्स बेस्ड ऑन देयर मैच्योरिटी एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर रिस्क लेवल। टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सो अभी किसी को भी रिस्क नहीं है, इन्वेस्टर इज रिस्क फ्री। व्हाई, बिकॉज वो जो बॉन्ड्स इशू कर रहा है एसपीवी उसके सामने the investor has a mortgage in the form, has a security in the form of mortgage and those papers. Structured way mein finance ho gaya hai, trenching
एंड होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब जो भी सेम टाइप ऑफ पेपर्स है, जैसे होम लोन के सारे पेपर्स एक साथ होंगे तो उनका सेम बॉन्ड्स इशू किया जाएगा, कार लोन का सेम बॉन्ड्स इशू किया जाएगा, सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज होमोजेनिटी सेम टू सेम. सो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बंडलिंग अनबंडलिंग, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ट्रेंचिंग एंड होमोजेनिटी. फिर बेनिफिट्स क्या क्या है, इसकी वजह से मेरा ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो जाता है, आई कैन द बैंक कैन फोकस मोर ऑन द ओन बिजनेस, मेरा फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज मेरे जो इनलिक्विड एसेट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एसेट्स एंड मेरा बोरोइंग कॉस्ट ओवरऑल रिड्यूस हो सकता है. फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो गया, कहीं पे भी ही वांट्स टू प्रीपे ही कैन डू दैट. देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के थ्रू वी आर एंश्योरिंग आर सेल्फ अगेंस्ट एनी प्रोटेक्शन बिकॉज देर इज अ सिक्योरिटी ऑफ द पेपर्स. पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो सबसे पहले जो लोन लेता है वो इज द ओरिजिनेटर, फिर बाद में जो बैंक होता है, सॉरी जो जो सबसे पहले लोन लेता है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लाइजर, बैंक होता है ओरिजिनेटर, बैंक कन्वर्ट करता है अपने सारे होल्डिंग्स को इनटू एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड देन देयर इज द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन दोस बॉन्ड्स. फिर बाद में ऑब्लाइजर्स के बाद आता है रेटिंग एजेंसी, तो रेटिंग एजेंसीज ही बनाता है ये सारे के सारे जो बंडलिंग एंड अनबंडलिंग है वो रेटिंग एजेंसीज करता है. रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट का रोल होता है टू रेगुलरली एंश्योर दैट मनी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ एट द राइट टाइम. ट्रस्टी विल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी. क्रेडिट एनहेंसर होता है कि भाई अगर आपको और क्रेडिट चाहिए इन्वेस्टर को तो वी कैन ऑल्सो अपॉइंट अ क्रेडिट इन्वेस्टर. एंड स्ट्रक्चरर होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर हु एंश्योर्स दैट ऑल ऑफ दिस थिंग इज बीइंग डन इन अ स्मूथ मैनर. फिर होता है मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, तो ऑल हाउ डज दिस फंक्शन वर्क. सो देर इज अ क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, ये जो एसेट्स है ये एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एसपीवी देन एडमिनिस्टर्स दीज एसेट्स. देर इज ऑलवेज अ रिकोर्स टू द ओरिजिनेटर, तो ओरिजिनेटर को चाहिए तो एसपीवी के पास से वो पेपर्स ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स एंड उसके सामने अपने को पैसा मिलता है. देन जैसे ही अपने को ऑब्लाइजर, ये देखो यहाँ पे ये जो ऑब्लाइजर है ना जिसने ओरिजिनली लोन लिया था, वो जैसे ही अपने को पेमेंट करता है वी विल रिफंड इट, रिफंड द पेमेंट टू द इन्वेस्टर. एंड लास्ट इज क्रेडिट रेटिंग किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स का सो दैट द इन्वेस्टर इज सिक्योर. प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है सिक्योरिटाइजेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टैम्प ड्यूटी का, कि देर इज टाइम एंड अगेन डबल डबल स्टैम्प ड्यूटी. टैक्सेशन का भी पॉइंट्स क्लियर नहीं है सो दैट इज अ प्रॉब्लम. अकाउंटिंग इज नॉट वेरी क्लियर, इंडिया इससे रिलेटेड बहुत अच्छे बने नहीं है. स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इंडिया में, एडिक्वेट डेट मार्केट नहीं है एंड फ्लोर क्लोजर लॉज आर इन इफेक्टिव इन इंडिया. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, स्टैम्प ड्यूटी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इन एडिक्वेट डेट मार्केट एंड इन इफेक्टिव फ्लोर क्लोजर लॉज. सिक्योरिटाइजेशन के टोटल तीन इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है पीटीसी, एक होता है पीटीएस एंड एक होता है स्ट्रिप सिक्योरिटी. पीटीसी का मतलब होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड पीटीएस का मतलब होता है पे थ्रू सिक्योरिटी. तो पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो भी आपके पास पैसा आ रहा है फ्रॉम द ऑब्लाइजर, सो यहां पे आप लोगों को दिखेगा ऑब्लाइजर जिसने लोन लिया है वो जो भी पैसा देगा बैंक को, बैंक विल डायरेक्टली गिव इट बैक टू द इन्वेस्टर. बट एज फार एज पीटीएस पे थ्रू सिक्योरिटी इज कंसर्न, ऑब्लाइजर के पास जो भी पैसा आएगा उसमें से जितना इन्वेस्टर को ड्यू है उतना ही रिपेमेंट किया जाएगा, बाकी का जो सरप्लस है द एसपीवी कैन इन्वेस्ट एंड अर्न अ सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी. सो ट्रांसफर एंटायर रिसीप्ट ऑफ कैश एंड प्रिंसिपल डायरेक्टली टू इन्वेस्टर इन पीटीसी एंड पीटीएस में ओनली द अमाउंट ड्यू टू द इन्वेस्टर सरप्लस इज इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म. स्ट्रिप सिक्योरिटी में दो होता है, एक होता है इंटरेस्ट ओनली एंड एक होता है प्रिंसिपल. यहाँ पे खाली इंटरेस्ट मिलता है, ओनली प्रिंसिपल मिलता है. खाली एक चीज याद रखना, इफ आईटीएम इंक्रीजेस बोरोवर विल पोस्टपोन द पेमेंट एंड डिक्रीज हुआ तो बोरोवर विल प्रीपोन. सो अगर वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिर बाद में द बोरोवर बोलेगा भाई हमें बाद में पेमेंट करूंगा एंड वाइस वर्सा. तो स्ट्रिप सिक्योरिटी में दो होता है इंटरेस्ट ओनली एंड प्रिंसिपल ओनली. देन देर इज पीटीसी एंड देन देर इज पीटीएस. देन फिर बाद में वी हैव द प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइज एंगल. सो ओरिजिनेटर का will be based on his cash outflow and investor का will be based on the IYTM. Then this is a very important point, मेरे हिसाब से ये exam में आ सकता है, which is called as risk in securitization. So there are three risks in securitization. एक है counter party या credit risk, मतलब अगर say for example जो obligor है उसने repayment करने में problem किया then वो काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से बैंक विल नॉट बी एबल टू गिव इट टू द एसपीवी एंड एसपीवी विल नॉट बी एबल टू गिव इट टू द इन्वेस्टर. सो दैट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम. सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट रिस्क और द काउंटर पार्टी रिस्क. फिर बाद में कभी कभी लीगल रिस्क आ सकता है. देन देयर इज अ मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में आता था मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क. मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ लोन फॉर ट्रैक्टर बट अभी फार्मिंग में यू नो देयर इज नो इनकम सो मेरा ट्रैक्टर काम का नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू रीपे द बैंक. सो दैट इज अ मार्केट रिस्क. प्री पेमेंट हो जाता है जिसकी वजह से अभी यू नो ऑब्लाइजर प्री पे कर देता है
देन इन दैट केस मेरे को सामने अगर आगे इन्वेस्टर को प्रीपे करने में प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ही मे नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट फॉर नाउ एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, कभी कभी फ्लोटिंग रेट बढ़ जाता है, कभी कभी फिक्स कम होता है, तो उसकी वजह से देर इज अ मिसमैच ऑफ इंटरेस्ट रेट एज वेल। तो अगर मेन पॉइंट्स में को याद रखना है रिसेंट सिक्योरिटाइजेशन का, तो एक है क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा है लीगल रिस्क, तीसरा है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में आता है मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, प्री पेमेंट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिर बाद में आ जाता है ब्लॉकचेन, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर अस। तो ब्लॉकचेन में बेसिकली अपने को ध्यान में रखना है दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड, हैक्ड और मैनिपुलेटेड, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ये वर्ड याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, दैट डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजैक्शन अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। कैसे वर्क करता है, तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करता है, ब्लॉक इज क्रिएटेड, इट इज सेंड टू द नोड, इट इज एक्सेप्टेड एंड वैलिडेटेड एंड देन फाइनली थिंग्स वर्क। ब्लॉक चेन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट, ट्रैवल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट। एंड देयर इज रिस्क एसोसिएटेड विद दैट, कि भाई पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, कहीं पे भी रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ पे देर इज एनी एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे आरबीआई या ऐसा कोई भी यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड कुड पोटेंशियली चैलेंज ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। सो दीज आर सम रिस्क। एंड फिर बाद में लास्ट है मेरा टोकनाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन। सो ये आप लोगों को वर्ड्स याद रखना पड़ेगा, कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इनटू टोकन। इसका फायदा क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, एक मेरे को सबसे बेस्ट लिक्विडिटी मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है, आई कैन डू द ट्रेडिंग एंड इट ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द टोकनाइजेशन, कन्वर्टिंग टेंजिबल एसेट्स इन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन। एंड चार पॉइंट्स याद रखना है, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। विद दिस वी कंप्लीट द सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से भी क्वेश्चन आने का चांसेस है, स्पेशली रिलेटेड टू वॉर। सो ये रहा अपना चैप्टर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आ जाओ, सो यहां पे होते हैं मेरे बहुत टाइप्स ऑफ रिस्क। सबसे पहला है मेरा स्ट्रेटेजिक रिस्क, तो ध्यान में रखना है स्ट्रेटेजिक रिस्क क्यों हो सकता है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया तो दैट इज अ बिग स्ट्रेटेजिक रिस्क, जो नोकिया को फेस करना पड़ा था, न्यू कॉम्पिटिटर आ गया जैसे कैनॉन निकॉन आ गया था, तो कोडैक को फेस करना पड़ा था, शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड की वजह से कैन बी अ रिस्क एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सो दीज आर द रीजंस वेयर इट कैन रिजल्ट इन टू अ स्ट्रेटेजिक रिस्क। फिर बाद में आता है कंप्लायंस रिस्क, अगर आप लोग ने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो उसकी वजह से अगर पेनल्टीज एंड फाइन्स आया तो द कंपनी में इवन क्लोज डाउन, दैट्स अ बिग कंप्लायंस रिस्क। फिर बाद में आता है ऑपरेशनल इंटरनल रिस्क, अगर आपने मैनेज डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को मैनेज नहीं किया, सुभिक्षा रिटेल करके कंपनी थी वो बंद हो गई जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू मैनेज द डे टू डे ऑपरेशनल रिस्क एंड रिलेटेड टू पीपल प्रोसेस एंड इट्स कनेक्टेड रिस्क। फिर बाद में फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली होता है दैट इफ योर कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल, जैसे कि बायजूस है एंड इट इज इंकरिंग लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। काउंटर पार्टी रिस्क होता है द रिस्क विच इन विच द अदर पार्टी इज नॉट एबल टू रिपे अस, दैट बेसिकली इज योर काउंटर पार्टी रिस्क। द रिस्क अकर्स ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी, विच कैन बी फेलियर टू डिलीवर द गुड्स फॉर पेमेंट ऑलरेडी मेड या वाइस वर्सा, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग नहीं हो रहा है, ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली योर क्रेडिट रिस्क। एंड देन देयर कम्स द पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में क्या होता है, रिस्क फेस्ड बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो सी, अगर मेरा इंडिया और चाइना का कोई पॉलिटिकल रिस्क आ गया देन इन दैट केस मेरा इंपोर्ट अफेक्ट हो सकता है, मेरा अगर वहां पे कोई प्रॉपर्टीज है तो दैट मे बी कॉन्फिस्केटेड, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग्स, ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल। इंटरेस्ट रेट रिस्क अकर्स ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, सो जो आरबीआई का गवर्नर है वो इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ भी देर इज इंक्रीज और डिक्रीज, इट मे रिजल्ट इन टू इन्फ्लेशन एंड इट मे अफेक्ट आर बिजनेस एट अ हायर लेवल, तो रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट्स लाइबिलिटीज। रिस्क सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट का होता है बैंकिंग कंपनी को, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रिलेटेड। देन देयर इज अ करेंसी रिस्क, अगर डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज उनको ये करेंसी रिस्क होता है, तो अगर रूपी डेप्रिसिएट होता है डॉलर गेन्स, देन पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्टर एंड वाइस वर्सा। लिक्विडिटी रिस्क, इन अबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स लाइबिलिटीज वेन दे बिकम ड्यू, सो अगर आप कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हो देन इन दैट केस इट इज अ बिग लिक्विडिटी रिस्क एंड योर कंपनी में गो ब्रोक। इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देखो जब इवेल्युएट कर रहे हो ना फाइनेंशियल रिस्क को, तो स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग चेक करते हैं कि भाई डेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है एक्सेसिव बोरोइंग नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट कैन लीड टू लिक्विडेशन, एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डाउनग्रेडिंग ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो दीज आर बेसिकली द फाइनेंशियल रिस्क। सो स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इक्विटी रेशियो देखना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है एक्सेसिव बोरिंग ना हो जाए, एंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है दैट डाउनग्रेडिंग ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आता है वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है।
व्हाट इज इट? इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेट के मैक्सिमम लॉस आपको कितना हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड लॉस पर डे देखता है वो। इसके कुछ फीचर्स है कि भाई क्या क्या, कितना टाइम पीरियड, कितने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कैलकुलेशन हो रहा है, उसके लिए स्टेटिस्टिकल मेथड, टाइम होराइजन, प्रोबेबिलिटी, जेड स्कोर इज ऑल दैट यू सी। एप्लीकेशन ऑफ वार कहाँ कहाँ पे होता है? टू चेक मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो, या फिर एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट फिक्स लिमिट कि भाई कितना मैक्सिमम आप लॉस कर सकते हो। ये ट्रेडिंग में यूजुअली यूज होता है एज अ टूल फॉर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, स्पेशली इन केसेस ऑफ बैंक्स। अब अगर काउंटर पार्टी रिस्क का आपको कुछ हिंट मिल रहा है तो आपको क्या क्या टेक्निक से उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस आ गए आपके सामने ऑपोजिट पार्टी के ऊपर, हॉस्टाइल एक्शन है फॉरेन गवर्नमेंट का, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, या सामने वाला इनसॉल्वेंट हो गया है, सो दीज आर बेसिकली हिंट्स जिससे आपको पता चलेगा कि काउंटर पार्टी रिस्क होने का चांसेस है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, एक ड्यू डिलीजेंस कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहीं पे कोई भी यहाँ पे इंसॉल्वेंट होने का चांसेस तो नहीं है या रिसोर्सेज का इश्यूज तो नहीं है। डू नॉट ओवर कमिट टू अ सिंगल पार्टी और अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज। अपना एक्सपोजर कितना है वो पता होना चाहिए। लिमिट्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्रेडिट अप्रूवल शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि भाई क्रेडिट उतना ही देना है जितना अपने को अलाउड है, उससे ज्यादा अपने को किसी को भी क्रेडिट या लोन नहीं देना है। रैपिड एक्शन इन केस ऑफ एनी लाइवलीहुड ऑफ डिफॉल्ट, सपोज आपने ड्यू डिलीजेंस किया बट उसके बाद भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप कुछ रैपिड एक्शन ले लो, डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। फिर बाद में आता है पॉलिटिकल रिस्क। जैसे पॉलिटिकल रिस्क में अगर इंडिया और मालदीव का अच्छा रिलेशन नहीं है, देन इंडिया में ओपन अप अंडमान एंड मालदीव के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसकी वजह से एक्शन क्या क्या होता है? इंसिस्टेंस ऑन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ऑफ लेबर, सो आप हो सके तो इतना हो सके इंडिया का ही लेबर रखो, सो दैट देर इज नो पॉलिटिकल रिस्क। रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय द लोकल गवर्नमेंट, एंड प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये जितना अपन लोग रखेंगे उतना इट विल बी बेटर कि प्राइस फिक्स रहे, फॉरेन एसेट्स जो भी है वो लोकल गवर्नमेंट को उसका आइडिया रहे, रिस्ट्रिक्शन हो कन्वर्जन ऑफ करेंसी के ऊपर, लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, ज्यादा लंबा पार्टनरशिप नहीं, जस्ट जॉइंट वेंचर, काम हुआ यू कैन जस्ट लीव इट, लोकल फाइनेंसिंग लो, एंड ऑलवेज निगोसिएट बिफोर यू नो कमिटिंग इन टू एनीथिंग एल्स। फिर बाद में लास्ट आता है, सेकंड लास्ट आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज डिपेंडेंट ऑन मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्शन सच एज डीमोनेटाइजेशन एक्सेट्रा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेटा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट चेंजेस, ये सारी चीजें इंटरेस्ट रेट रिस्क से ऊपर डिपेंडेंट है। सो इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से मेरे को स्टॉक मार्केट में लॉस हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स में स्टॉप इन्वेस्टिंग, इंडस्ट्रियल डेटा मेरा यू नो इट कैन बिकम गुड और बैड, इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है, डीमोनेटाइजेशन अफेक्ट हो सकता है, एंड मॉनिटरी पॉलिसी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क का इंपैक्ट ये सब के ऊपर है। करेंसी रिस्क का इंपैक्ट किस किस के ऊपर है? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, तो याद होगा आप लोगों को परचेसिंग पावर पैरिटी यहाँ पे होता है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज दिस, गवर्नमेंट एक्शन, देन नेचुरल कैलामिटीज, सो जो भी मेरी नेचुरल कैलामिटीज है दैट ऑल्सो कैन अफेक्ट द करेंसी रिस्क, वॉर की वजह से करेंसी कैन गेट अफेक्टेड लाइक पाकिस्तान और श्रीलंका, एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से भी करेंसी इज गेटिंग अफेक्टेड। सो दीज आर बेसिकली ऑल द पॉइंट्स ऑफ रिस्क। इंटरेस्ट रेट हो गया, करेंसी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, काउंटर पार्टी हो गया, वार अपना हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में याद रखना स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल फाइनेंशियल काउंटर पार्टी रिस्क इज डन। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज वेरी वेरी इजी। सो आ जाओ, एडवांस रोल ऑफ सीएफओ इन वैल्यू क्रिएशन। सो यहाँ पे ऑब्वियसली द रोल ऑफ सीएफओ हैज एक्सपांडेड आफ्टर पेंडेमिक। अभी सारे इसमें चैप्टर के नाम लिख लो, अभी उसका क्या क्या यूज हो गया है सीएफओ का, तो रिस्क मैनेजमेंट में आ गया है, सप्लाई चेन में, मर्जर्स एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, ईएसजी, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट्स में भी आ गया है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो अब प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वॉट? End of the day, all the processes should focus on maximizing wealth with minimum investment, optimum investment opportunities के साथ अपने को wealth maximize करना है, strategic allocation of funds and realistic strategy होना चाहिए अपने पास, management team and processes should be perfect. So यहाँ पे our focus is value maximization, capital structure perfect होना चाहिए, forex exposure and risk management and dividend and bonus related decision should also be managed properly. Key decisions falling within the scope, तो देखो ये important है, क्या क्या key decisions है falling within the scope of financial strategy. So first के भाई financing decision should be good, investment, dividend एंड पोर्टफोलियो, ये चार चीज का अपने को ध्यान में रखना है कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, क्या कि मेरा फाइनेंसिंग कौन से मोड से होने वाला है, अगर मेरे पास एक्सेस पैसा है तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है,
डिविडेंड मेरे को टाइमली कब कब देना है, एंड हाउ टू आई मेक योर माई पोर्टफोलियो. सो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो डिसीजन. स्ट्रेटेजीज आर डिफरेंट हायरार्किकल लेवल, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो तीन मेरे पास यहाँ पे होती है स्ट्रेटेजीज. एक होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, एक होता है मिड लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, एंड लास्ट इज लो लेवल स्ट्रेटेजी विच इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी. सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज में आता है तीन चीज, सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी. सो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पे दे विल सी वेदर अ स्ट्रेटेजी इज सुटेबल, वेदर इट इज फिजिबल फॉर द बिजनेस, एंड वेदर इट इज एक्सेप्टेबल टू द मीडियम एंड लो लेवल एम्प्लॉयज. फिर आता है मिड लेवल स्ट्रेटेजीज. यहाँ पे अपने को इंश्योर करना है दैट देयर इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अपन लोग यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. एंड लास्ट इज द लो लेवल स्ट्रेटेजी, यहाँ पे अपने को डे टू डे ऑपरेशंस इंश्योर करना है कि ऑल डिपार्टमेंट्स, R&D, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस शुड बी एफिशिएंटली एंड स्मूथली मैनेज. फिर बाद में आता है मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग. इसमें तीन कॉम्पोनेंट्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स. सो या यहाँ पे मेरे जो तीन कॉम्पोनेंट है उसमें क्या क्या, एक है फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो ये मेरा जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे को करना है, आई शुड हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आई शुड हैव इनफ फाइनेंशियल टूल्स, मेरा रेशियोज, कैश फ्लो शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड लास्ट इज द फाइनेंशियल गोल्स. फिर बाद में आता है आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या है मेरा, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल मेजर्स. सो ये खाली एक बार रीड कर सकते हो. फिर बाद में आता है मेरा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, SGR, मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट अ कंपनी और सोशल एंटरप्राइज कैन सस्टेन विदाउट हैविंग टू फाइनेंस ग्रोथ. सो अपन लोग खुद से ही सेल्स इतना अच्छा बढ़ा दे अपन लोग कि अपना ग्रोथ उसी से हो जाए, अपने को और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जरूरत नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगा, अगर अपना हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है और सस्टेनेबल है, ग्रोथ हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम प्रॉफिट होना चाहिए, डिविडेंड शुड बी करेक्ट, सेल्स रैपिडली इंक्रीज होना चाहिए, देन वी विल बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल. मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, पब्लिक इमेज अच्छा हो, बी क्लियर अबाउट वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन. SGR इज वॉट बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी इन टू रिटेंशन रेशियो. वॉट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन, environment should we should identify opportunities for work, attract, manage and retain competent staff, administrative financial structure and ensure that effectiveness apne kaam mein, and get community support and involvement for its work. Jo yahan pe idhar likha tha na, good public image, yahi wali cheez dekho, first sustainable, yahan pe bhi sustainable, to good public image, clear about values, स्ट्रेटेजिक क्लियर डायरेक्शन, कॉम्पिटेंट स्टाफ अपने को रखना है, अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ. सो सिमिलर पॉइंट्स है, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम एंड मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू सस्टेन, मतलब ज्यादा टाइम तक अपन लोग अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर पाएंगे, एंड ऑल्सो दैट विल रिजल्ट इन टू ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी. बाकी ये वाले जो फाइनेंशियल पॉइंट्स है ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स ही है, बट इसमें जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स है वो है स्ट्रेटेजी का डिफरेंट, स्ट्रेटेजीज है डिफरेंट हायरार्की लेवल, याद रखना. टॉप लेवल में तीन होता है, सुटेबल, फीजेबल एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए. फिर मिड लेवल स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे अपने को इंश्योर करना है कि आर प्रोडक्ट इज बिकमिंग वेरी कॉम्पिटेंट एंड अपने को अच्छा सर्विसेज देना है, एंड फाइनेंशियल लेवल पे ऑल आर डिपार्टमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ. की डिसीजंस इन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो शुड बी परफेक्ट. एडवांस रोल ऑफ CMA चैप्टर का नाम लिख के आ जाने का, CFO का, रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मर्जर्स, एक्विजिशंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. विद दिस वी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर एज वेल. अभी अपन लोग चलेंगे स्टार्टअप फाइनेंस के ऊपर, तो फटाफट आ जाओ. या सबसे अभी आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, एंड दिस चैप्टर इज बेसिकली योर स्टार्टअप फाइनेंस. स्टार्टअप अगर आपको करना है देन इन दैट केस यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. सो पैसा कहाँ से आएगा, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग. क्राउड फंडिंग मतलब फेसबुक के ऊपर डाल दो भाई मैं ये बिजनेस चालू कर रहा हूँ और मेरे को पैसा चाहिए, तो पब्लिक विल गिव यू मनी, दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग. माइक्रो लोन्स, छोटे छोटे बैंक्स आपको, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपको लोन देती है, दैट कैन बी यूज. फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, समझो आपको डेटर से पैसा मिलने वाला है 3 महीने बाद, आप फैक्टर के पास जा सकते हो, उसको 5% कमीशन दो, ऑन द स्पॉट वो आपको पैसा दे देगा. वेंडर फाइनेंसिंग, आप अपना जिससे रॉ मटेरियल ले रहे हो उसको आप बोल दो कि भाई 6 महीने बाद पैसा ले लेना. परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, अगर आपके पास कोई बड़ा परचेज ऑर्डर आया है उसके बेसिस पे भी आपको लोन मिल सकता है. सो व्हाट आर द वेज, पर्सनल फाइनेंसिंग, फैमिली फ्रेंड्स, क्रेडिट लाइंस, ये सब तो अपने को पता ही है. मेन क्या क्या याद रखना है, क्राउड फंडिंग इज समथिंग न्यू, देन फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल, वेंडर रिसीविंग एंड परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग एंड माइक्रो लोन्स. फिर बाद में पिच प्रेजेंटेशन के टाइम पे शार्क टैंक आप लोग सब लोग ने देखा है, तो शार्क टैंक में क्या होता है, बस एक्जैक्टली वही चीजें ध्यान में रखनी है. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, टीम कितना बड़ा है, क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन लेकर आ रहे हो, मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे करते हो, फाइनेंशियल्स कितना है आपका, मतलब अब तक कितना इनकम बनाया है, क्या कैश फ्लोज एंड क्या बैलेंस शीट है, कॉम्पिटिशन, बिजनेस मॉडल एंड
फाइनेंसिंग, सो हाउ आर यू प्लानिंग टू कम्पीट इन द मार्केट, बिजनेस मॉडल क्या है आपका एंड कैसे आप फाइनेंस प्लान कर रहे हो, कैसा आपको पैसा चाहिए इज अ पार्ट ऑफ योर पिच प्रेजेंटेशन. सो इंट्रोडक्शन, टीम प्रॉब्लम, सोल्यूशन, मार्केटिंग, माइलस्टोन्स में आ जाता है इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, कॉम्पिटिशन, बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंसिंग, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप. सो यहाँ पे मेरे पास तीन मेजर मोड्स होते हैं. एक होता है बूट स्ट्रैपिंग, मतलब खुद से ही पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज बूट स्ट्रैपिंग. इसमें तीन मेथड है, ट्रेड, क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग. तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि अगर आता है मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स, देन इन दैट केस बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में तीन है, ट्रेड फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट मतलब आप जिसके पास भी सेल कर रहे हो उसको बोलो आप भाई जल्दी पैसा दे दे, और अगर आप रॉ मटेरियल क्रेडिट पे उठा रहे हो देन इन दैट केस यू विल टेल देम टू डिले योर पेमेंट. फिर बाद में होता है फैक्टरिंग, जो अभी अपन लोग ने ऊपर पढ़ा था कि भाई इमीजिएटली पैसा ले लो, सामने कुछ कमीशन दे दो. एंड लीजिंग, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द मशीनरी अपन लोग लीज पे ले सकते हैं, तो खाली अपना रेंटल आउटफ्लो रहेगा, दैट विल बी मैनेजेबल. फिर आता है एंजल इन्वेस्टर्स एंड देन आता है वेंचर कैपिटल फंडिंग. एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड कैपिटल टू प्रॉमिसिंग अर्ली बिजनेस स्टार्टअप्स. यहाँ पे यूजुअली ये कनेक्शन होता है बिटवीन द एंटरप्रेनर एंड द एंजल इन्वेस्टर. ही इन्वेस्ट इन द एंटरप्रेनर, गिव्स कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप एंड यूजुअली एग्जिट मार लेता है ड्यूरिंग द आईपीओ. बट इन केस ऑफ वेंचर कैपिटल इज लुकिंग फॉर ह्यूज लेवल ऑफ ग्रोथ. सो फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एड वैल्यू टू द कंपनी एंड ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स अनलाइक द एंजल इन्वेस्टर. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी है तो आपको यहाँ से पैसा मिल जाएगा, ही इज रेडी टू टेक द हाई रिस्क एंड ऑलवेज नीड्स द इक्विटी पार्टिसिपेशन. एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग द वेंचर कैपिटल इन द कंपनी, के भाई मेरे को लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस मिल गया, बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. फिर बाद में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जिसको अपन लोग बोलते हैं, उसमें हेल्प कर देता है, और अगर फंडिंग चाहिए तो फ्यूचर में काम आता है. नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग, कैन ऑल्सो फैसिलिटेट ट्रेड सेल एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस. फिर आता है स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है. सीड मनी, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड. सीड मनी लो लेवल फाइनेंसिंग, जस्ट एक जो आइडिया है उसको अपने को अगर फंड करना है तो एक्सट्रीम लेवल का रिस्क होता है. स्टार्टअप डे टू डे मार्केटिंग एक्सपेंसिस के लिए, अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सेकेंड राउंड में आ जाता है आपका वर्किंग कैपिटल जो अपने को चाहिए होता है. फिर आता है मेजनीन फाइनेंसिंग एंड लास्ट में आता है ब्रिज फाइनेंसिंग. सो सेकेंड देखो, फर्स्ट राउंड में लो लेवल फाइनेंसिंग, फिर मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए उसको बोलते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग, फिर फर्स्ट राउंड यहाँ पे वर्किंग अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर सेकेंड राउंड में आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, थर्ड राउंड में मेजनीन फाइनेंसिंग के लिए चाहिए फॉर एक्सपांशन, एंड फोर्थ राउंड में आपको चाहिए ब्रिज फाइनेंसिंग फॉर गोइंग पब्लिक. सो इस तरह से आपका वीसी फंडिंग वर्कड अप है. सीड मनी, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड. सीड मनी आ गया, फर्स्ट राउंड स्टार्टअप आ गया, फर्स्ट राउंड में जैसा मैंने आपको बोला अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड राउंड से स्टार्ट होता है ये सब ना, वर्किंग कैपिटल वाला, मेजनीन वाला एंड ब्रिज फाइनेंसिंग वाला. क्लियर एवरीबॉडी, डन. फिर बाद में वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, सबसे पहले डील ओरिजिनेट होता है, फिर दिस डू द स्क्रीनिंग एंड ड्यू डिलीजेंस. स्क्रीनिंग मतलब कंपनी कैसा है उसका थोड़ा एक बैकग्राउंड, ड्यू डिलीजेंस में लीगल ड्यू डिलीजेंस होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस होता है, फिर डील को स्ट्रक्चर किया जाता है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिविटी, एंड दे ऑल्सो डिसाइड के भाई क्या एग्जिट प्लान रहेगा, क्या आईपीओ आएगा, वो लोग एग्जिट कर देंगे एंड ऑल ऑफ दैट. यहाँ पे इनका डील ओरिजिनेशन टाइम के फोकस किसके ऊपर है, कि भाई एडटेक के ऊपर इन्वेस्ट करना है, फार्मा के ऊपर, केमिकल के ऊपर, प्रमोटर का किसके ऊपर फोकस है, क्या स्टेज पे है वो बिजनेस, मतलब ये कौन से स्टेज पे है, एंड टर्नओवर अपना कितना होने वाला है. स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल ऑफ फंड इन इंडिया, डोमेस्टिक फंड भी होते हैं, ऑफशोर फंड्स भी होते हैं, दैट्स ओके. हाँ, स्टार्टअप गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके लिए आपको अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अगर आपने अप्लाई किया तो आपको स्टार्टअप का बेनिफिट मिल जाएगा. इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड या फिर पार्टनरशिप फर्म या LLP. टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन, न्यू एंटिटी होना चाहिए. एंड मेन फोकस फॉर वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फिर बाद में आ गया अभी नया कॉन्सेप्ट है यूनिकॉर्न, विच इज $1 बिलियन से अगर आपकी ज्यादा कंपनी की वैल्यूएशन है, $1 बिलियन मतलब 8,500 करोड़ से ज्यादा की अगर आपकी वैल्यूएशन है, देन इन दैट केस यू आर कॉल्ड एज अ यूनिकॉर्न. प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए. वैल्यूएशन $1 बिलियन, रेडिट सक्सेस ऑफ स्टार्टअप के ऊपर फोकस है, न्यू आइडिया, डिसरप्टिव इनोवेशन, कंज्यूमर फोकस इज द फ्यूचर. सक्सेशन प्लानिंग इज वेरी मच नेसेसरी, देयर इज अ नीड बिकॉज रिस्क कम हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल टाटाज ने आज की तारीख में इतना अच्छा सक्सेशन प्लानिंग किया है, तो टाटा मोटर्स, TCS आर ऑल डूइंग गुड. टैलेंट आपका फटाफट आइडेंटिफाई हो जाता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिजॉल्व हो जाता है, एंड वी अलाइन विद द कल्चर. बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, की लीडरशिप पोजिशन आप इवेल्युएट कर सकते हो, आपका क्या कॉम्पिटेंसीज है चेकआउट,
एंड देर इज अ ब्रिज लीडर जो थोड़े टाइम तक रहता है. से फॉर एग्जाम्पल जब रतन टाटा वॉज रिटायरिंग सो देर वॉज अ ब्रिज लीडर एंड देन फाइनली द एग्जीक्यूशन वॉज डन. चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? फाउंडर अगर नहीं दिखेगा तो इन्वेस्टर में नॉट इन्वेस्ट द मनी. प्री मेच्योर फॉर स्टार्टअप टू इम्प्लीमेंट बिजनेस सक्सेशन. अभी तो स्टार्ट हुआ है और अभी तुम सक्सेशन की बातें कर रहे हो. स्टार्टअप विदाउट अ फाउंडर कैन बी डिफिकल्ट. तो उतना आपको कोई पैशनेट बंदा मिलना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट. एंड क्यों नीड है आपका सक्सेशन प्लानिंग से? तो बाकी वो पहले से ही अलाइन हो जाए कल्चर के साथ. अभी जैसे जो भी टीसीएस का और ये सब का जो सीईओज है ना, दे वर ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी फॉर मोर देन 30 इयर्स. कॉन्फ्लिक्ट फटाफट रिजोल्व हो सकता है बिकॉज यू नो नाउ नो कि भी आपका सीईओ कौन होने वाले हैं. जो भी टैलेंट है पाइपलाइन में वो लोग को भी एक एंट्री मिल सकता है. ऐसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में भी जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली शुड रिटायर एंड गिव वे टू द न्यू टैलेंट विच इज प्रोबेबली प्लानिंग टू कम इन. सो दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस. एंड ये चैलेंजेस को अगर अपन ओवरकम कर लेते नथिंग लाइक इट. सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर स्टार्टअप फाइनेंस. नेक्स्ट चैप्टर इज सिक्योरिटी का वैल्यूएशन. आ जाओ. सो सिक्योरिटी का एनालिसिस. सो यहाँ पे होता है मेन दो चीज, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल. एक्सक्यूज मी. हाँ, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस. एंड उसी के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में से. पता है आपको लास्ट टाइम दो क्वेश्चन आ गए, एक एएफएम में और एक आईबीएस में. वाह. सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है कि बॉस आपका डिविडेंड ग्रोथ, पी मल्टीपल, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, ये सब फंडामेंटल है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी कैसा है, इंडिया का इकोनॉमी कैसा चल रहा है, आपका पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, उसमें आपका कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस देखते हैं, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस देखेंगे और फिर करेक्ट 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 कंपनी एनालिसिस देखेंगे. कंपनी एनालिसिस समझ में आ गया तुम लोगों को? सो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो तीन चीज देख रहे हो, इकोनॉमिक देख लिया, इंडस्ट्री, कंपनी. सबसे पहला इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में आप लोग क्या देख रहे हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस के भाई अपना नेशनल इनकम कितना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बन रहा है, इकोनॉमिक ओवरऑल इंडिया का नेशनल इनकम, इंडिया का इन्फ्लेशन कैसा है, इंडिया का मानसून कितना है. उसके लिए आप क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो? एंटीसिपेटरी सर्वेस, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स एंड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच. फिर बाद में क्या आता है? इंडस्ट्री एनालिसिस. इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या क्या आता है? सो इंडस्ट्री एनालिसिस में फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, डिमांड सप्लाई गैप कितना है. तो देखो अभी ये इंडस्ट्री कि भाई मेरे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना है, डिमांड सप्लाई का गैप कितना है, इज इट इजी टू एंटर द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है. जैसे ईवीज हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट का एंट्री अच्छा है, ठीक है. बैरियर्स टू एंट्री, टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर में आना मुश्किल हो गया है, डिमांड सप्लाई गैप कितना है अपने उसमें, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई ज्यादा है, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन कितना है अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कितना आ गया है. तो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री एनालिसिस. इसके अंदर दो टेक्निक्स यूज होता है, एक होता है एग्रेशन रिग्रेशन एनालिसिस, एक होता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस. एंड द लास्ट इज कंपनी का एनालिसिस जहां पे आप देखते हो नेटवर्क, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, साइज क्या है अपना, रैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मैनेजमेंट का कितना अच्छा गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ जनरल कंपनी पॉइंट्स, नेटवर्थ, सेल्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, यूज ऑफ फंड्स, साइज, रैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपनी एनालिसिस. फिर बाद में टेक्निक्स उसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, डिसीजन ट्री. सो मेन क्या है? मेन ये तीन चीज है, इकोनॉमिक हो गया, इंडस्ट्री समझ में आ गया अपने को, कंपनी समझ में आ गया. अब आ जाते हैं अपन लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर. टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलते हैं? जनरल थिंग दैट द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. यहाँ पे सब पूरा इमोशंस के बेसिस पे, तो जो पहले इमोशंस हुआ है वही वापस से ये बार रिपीट होगा. अभी इसमें तीन मेजर थियोरीज है जो एग्जाम में आ सकती है, डाओ, एलियट वेव एंड रैंडम वॉक. डाओ क्या बोलता है कि बॉस तीन फेजेस हो सकता है, एक होता है फेज ऑफ प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट एंड डेली फ्लक्चुएशन. प्राइमरी मूवमेंट आपको पूरा एक ट्रेंड बताता है 12 to 36 months का. सो 12 months to 36 months में आपका बुलिश ट्रेंड रहा है कि बेरिश ट्रेंड रहा है. सेकेंडरी मूवमेंट बताता है 2 weeks to 1 month का क्या सीन है. एंड डेली फ्लक्चुएशन ये आपको बताता है अपना थर्ड फेज विच इज कॉल्ड एज डेली फ्लक्चुएशन. फिर बात में होता है एलियट वेव थियरी, इसमें भी एक वेव सेट होता है और वेव आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, फिर बीच में करेक्शन वेव आता है. तो एक होता है इंपल्सिव गोइंग विद द फ्लो और एक होता है करेक्टिव. सो भाई मार्केट कितना भी ऊपर जा रहा हो थोड़ा बीच बीच में करेक्शन आएगा, मार्केट कितना भी नीचे आ रहा हो थोड़ा बीच बीच में ऊपर जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ करेक्टिव पैटर्न, चेंज इन मार्केट मूवमेंट. बुल मार्केट में फॉल इन वेव आएगा, कन्वर्टिंग इट टू बेयर मार्केट एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना. एंड बेयर मार्केट होगा तो थोड़ा सा बुल जाएगा ऊपर. सो डिफाइन प्राइस मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेव्स, कौन? मिस्टर एलियट.
वेव्स आर क्रिएटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर्स. फिर बाद में आता है रैंडम वॉक थियरी. प्राइस ऑफ शेयर्स कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड एंड रैंडम बेसिस पे चलता है. रीजन इज दैट प्राइस ट्रेंड्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स एंड उनके हिसाब से सब चीजें रैंडमली हो रही है. देयर मे बी पीरियडिकल अप्स एंड डाउन्स इन शेयर प्राइसेस बट नो कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स एंड लोस. ओके, फिर बाद में आते हैं चार्टिंग टेक्निक्स के ऊपर. तो चार्टिंग टेक्निक्स है मेनली लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडल स्टिक एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट. ये खाली आपको मेन वर्ड्स याद रखने हैं सो दैट अगर एग्जाम में आया तो अपने को एमसीक्यू में ये चार चीजें याद रहे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, जैपनीज कैंडल स्टिक एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट. फिर बाद में आता है मार्केट इंडिकेटर्स. मार्केट इंडिकेटर्स में भी चार है, ब्रेथ इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, आर एस ए रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड ऑड लॉट थ्योरी. सो ऑड लॉट थ्योरी, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ब्रेथ इंडेक्स. प्राइस पैटर्न में अपवर्ड चैनल, डाउनवर्ड चैनल आएगा, हेड एंड शोल्डर्स, बेरिश एंड देन बुलिश. देन फिर बाद में देयर इज गैप अप, गैप डाउन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी होता है, हेड एंड शोल्डर्स भी होता है, ट्राइंगल और कॉइन फॉर्मेशन. ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर प्राइस पैटर्न डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस. सो दिस इसमें मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, इसका ऑलरेडी प्रैक्टिकल आप लोग कर चुके. डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई कंट्री का GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में वही है, प्राइस मूवमेंट्स, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल आपका क्या रहा है, इमोशनली कैसी चीजें चल रही है, ऑल ऑफ दैट. यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट्स, यहाँ पे प्राइस कैप्चर्स एवरीथिंग. ये लॉन्ग टर्म के लिए एंड ये शॉर्ट टर्म के लिए. दिस कैन बेसिकली बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. फिर बाद में लास्ट आता है इसमें एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. एफिशिएंट मार्केट थ्योरी हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको. वो लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल द मार्केट्स. मतलब मार्केट इज एफिशिएंट. अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं है तो उसको बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. जो अंडर डेवलप्ड कंपनीज है वो वीक होती है, इंडिया जैसी कंपनीज होती है डेवलप्ड वो होती है सेमी स्ट्रांग, और जो जो डेवलपिंग होती है वो सेमी स्ट्रांग होती है, एंड जो यूएसए और यूके जैसी डेवलप्ड कंट्रीज है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिबिट करती है. सो इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्रीली एंड इंस्टेंटली अवेलेबल. जो भी कॉम्पिटिटिव है, कीन कॉम्पिटिशन अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंश्योर्स दैट मार्केट विल रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड इंट्रिंसिक वैल्यूज. इवेंचुअली कुछ भी हो जाए अपने ट्रू वैल्यू पे वो आ ही जाएगा. डेवलप्ड कंट्रीज में तो जो इन्फॉर्मेशन है सबके पास अवेलेबल होता है, उसकी वजह से जो मार्केट का प्राइस है ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट इट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू. प्राइस चेंज रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन विच इज अनरिलेटेड. सो प्राइस चेंज तभी होगा जब कोई अनरिलेटेड अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन आएगा. तीन लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है. वीक लेवल जहां पे इन्फॉर्मेशन सारा अवेलेबल नहीं है, फाउंड ओनली इन द पास्ट प्राइसेस. सेमी स्ट्रांग है जो बोलता है पास्ट एंड पब्लिकली. एंड फिर बाद में आता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, पब्लिक, प्राइवेट, पास्ट, फ्यूचर, सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यहाँ पे होता है. एम्पिरिकल एविडेंस के लिए तीन टेस्ट है, सीरियल कोरिलेशन, रन टेस्ट एंड फिल्टर रूल टेस्ट. इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी है, वो भी अपन लोग ने किया हुआ है. तो सीरियल कोरिलेशन, रन टेस्ट एंड फिल्टर. एंड लास्ट इज चैलेंजेस टू द एफिशिएंट मार्केट थियोरी. इन्फॉर्मेशन इनएडिक्वेसी, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इरेशनल बिहेवियर एंड मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस. तो ये चार चैलेंजेस है कि भाई मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस है, इरेशनल बिहेवियर होता है कई बार, सो ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल. लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी आता है. इन्फॉर्मेशन अगर एडिक्वेट नहीं है तो ये सब चीजें अगर हुई तो एफिशिएंट मार्केट नहीं होगा, इट विल रिजल्ट इनटू अ इनएफिशिएंट मार्केट. विद दिस अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर में अपन लोग ने जो मेन पांच थ्योरी चैप्टर्स है वो अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया. सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, फर्स्ट वाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वाला, रिस्क मैनेजमेंट वाला एंड अभी सिक्योरिटी एनालिसिस वाला. सो अपने जो टिपिकल थ्योरी चैप्टर्स थे ऑल डन. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी. इसके अंदर तीन क्वेश्चंस है. सबसे पहला है टर्म स्ट्रक्चर थियोरीज. ये देखो अभी देखो अंदर का बहुत ज्यादा याद नहीं रहेगा बट एटलीस्ट उसका मेन हेडिंग याद हो गया ना तो भी चलेगा, क्योंकि अगर कभी कुछ एमसीक्यू के लिए आ गया सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट. तो एक होता है एक्सपेक्टेशन थियोरी. एज पर दिस थियोरी देखो जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है ना उससे आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है. अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर इन्वेस्टमेंट. सो द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कैन बी यूज टू फोरकास्ट द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट आर अज्यूम टू बी अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर शॉर्ट टर्म. सो एक्सपेक्टेशन अपने को लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा. दूसरा होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस. ऑलवेज एवरीबडी हैज अ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. तो जितना उसका कम ड्यूरेशन रहेगा
दैट विल ऑलवेज बी गुड, बट अगर हायर इज द ड्यूरेशन तो द लिक्विडिटी इज लेट एंड देयर फॉर द इंटरेस्ट रेट विल बी हायर. सो एज पर दिस थियोरी इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड दे वॉन्ट अ प्रीमियम फॉर टेकिंग रिस्क. लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल हैव हायर इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ हायर मेच्योरिटी एंड हेंस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट शुड हैव अ प्रीमियम फॉर टेकिंग सच अ रिस्क. एंड फिर बात में होता है प्रिफर्ड हैबिटेट, मार्केट सेगमेंटेशन थियोरी भी बोलते हैं इसको. ये बोलता है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स विल हैव डिफरेंट नीड्स एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी शुड बी मेड. Different preference for shorter, longer maturity, and therefore they have their own preferred habitat. So interest rate structure depends on demand, supply, you know, what is the expectations and all of that. So teen term structure theories, expectation, liquidity and preferred habitat. फिर बाद में आता है repo rate and reverse repo rate. ये अपन लोग ने बचपन में economics में पढ़ा था. Repo rate is the rate at which Reserve Bank of India gives loan to the government of to the commercial banks for a short duration. So transaction is called a repo when viewed from perspective of seller. मतलब अग्रीमेंट इज टर्म्ड एज रेपो डिपेंड्स ऑन विच पार्टी इनिशिएटेड द ट्रांजैक्शन. सो अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए सो इट विल टेक इट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गिविंग द लोन इज कॉल्ड एज अ रेपो रेट. द पर्पस इज टू फिल एफिशिएंसी ऑफ फंड्स. कमर्शियल बैंक के पास कम फंड्स है तो उसको पैसा चाहिए. रेपो रेट इज कंपैरेटिवली हाई एंड रेपो रेट स्ट्राइव्स टू कंटेन द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बिकॉज जितना मैं ज्यादा लोन लूंगा उतना लिक्विडिटी क्रंच रहेगा एंड इन्फ्लेशन विल बी मैनेज. रिवर्स रेपो रेट में rate at which commercial banks lend to RBI. So similar यहाँ पे opposite चीज़ है. The purpose is to reduce excess liquidity अगर है then in that case you can lend it to RBI and आपको भी interest मिलते रहेगा. Reverse repo is comparatively low, aims to control money supply in the economy. फिर बाद में आता है valuers का rules and responsibilities. ये कुछ नया है. So I don't know, एक बार कर लेते अपन लोग, आ गया तो अच्छी बात है. रोल ऑफ वैल्यूअर्स क्या क्या है? तो कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल रिडक्शन लिखा है बट आई विल रादर कॉल इट एज कैपिटल मैनेजमेंट. स्लम सेल का कोई सीन है, डेट सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करना है, मर्जर एक्विजिशन करना है, डी मर्जर करना है, ऑल ऑफ दैट इज द रोल ऑफ द वैल्यूअर. उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेशनल कंपिटेंसी रखना, ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली करना, इंडिपेंडेंट रहना एंड कुछ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले से बता देना. ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, रेम्यूनरेशन कितना होगा, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी क्या रहेगा उसका, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए. सो फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इज इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस. प्रोफेशनल एथिक्स में होता है जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, कितना रेम्यूनरेशन है पहले से पता होना चाहिए, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंट एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. ऑल ऑफ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वैल्यूअर. विद दिस 3-4 क्वेश्चंस अपना वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी होता है कंप्लीट. फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब यही है कि अपन लोग बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना ले एंड वी इन्वेस्ट द मनी इन द राइट प्लेसेस. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज कि भाई प्रिंसिपल अपना सिक्योर रहे, कैपिटल ग्रो होता रहे, लिक्विडिटी रहे अपने पास ऑल द टाइम, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड टैक्स प्लानिंग भी होता रहे. जैसे ATC में अगर आप लोग ने इन्वेस्ट किया ELSS म्यूचुअल फंड्स में तो यू गेट द 150,000 तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है विच इज ह्यूज. एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज, सो फर्स्ट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज दैट इंटीग्रेटेड, देन देर इज स्ट्रेटेजिक, देन देर इज टेक्निकल एंड देन देर इज इंश्योर्ड. सो इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है. फिर बाद में समझो आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो तो आप इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन में यू विल इन्वेस्ट बेस्ड ऑन इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स. फिर दूसरा स्ट्रेटेजिक एलोकेशन में बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न कोवरायंसिस ऑल ऑफ दैट. टैक्टिकल में बेस्ड अपॉन द मार्केट, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड द लास्ट इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन में रिस्क एक्सपोजर के बेसिस पे अपन लोग इन्वेस्ट करेंगे. ये जो एसेट एलोकेशन है ना इसमें आपको देखो मेन चार पॉइंट्स ये वाले याद रखना है, इंटीग्रेटेड, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, इंश्योर्ड. ये जो अगर चार पॉइंट अगर आपको याद आ गए फिर आप खुद से लिख पाओगे. इंटीग्रेटेड, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड इंश्योर्ड. टैक्टिकल में आपको देखना है कैपिटल मार्केट के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक में आपको रिस्क रिटर्न कोवरायंस के हिसाब से, इंटीग्रेटेड में बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर, इंश्योर्ड में रिस्क एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है. फिर बाद में आता है फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो. इसमें पैसिव स्ट्रेटेजी एंड एक्टिव स्ट्रेटेजी आता है. पैसिव स्ट्रेटेजी मतलब बाय एंड होल्ड. पैसिव का मतलब यही होता है कि भाई देखो मेरे को ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, सो आई विल जस्ट वेट एंड वॉच हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग. या इंडेक्सेशन, जैसे आपने कोई निफ्टी जैसे इंडेक्स में डाल दिया तो हाउ द इंडेक्स इज गोइंग टू परफॉर्म वैसे ही अपना पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा. इम्यूनाइजेशन, सो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अगर पैसा चाहिए तो आप इम्यूनाइज स्ट्रेटेजी में डाल सकते हो. एंड लास्ट इज मैचिंग कैश फ्लोज. इफ
आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा चाहिए तो आप मैचिंग कैश फ्लो के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर बाद में आता है एक्टिव स्ट्रेटेजी, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन फिलहाल नहीं है, बट जस्ट यू नो यू कैन जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स बुलेट बारबेल एंड लैडर स्ट्रेटेजी, एंड देन देर इज बॉन्ड स्वॉप। तो इसमें आपको याद रखना इंटरनेशनल स्प्रेड एंड टैक्स स्वॉप एंड सब्स्टिट्यूशन स्वॉप, एंड देन देर इज ऑब्वियसली द इंटरेस्ट रेट स्वॉप। सो दीज आर द एक्टिव स्ट्रेटेजीज, इंटरेस्ट रेट स्वॉप, बॉन्ड स्वॉप एंड फोरकास्टिंग रिटर्न एंड इंटरेस्ट रेट, बुलेट बारबेल एंड लैडर स्ट्रेटेजी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल एंड टैक्स स्वॉप, एंड द लास्ट इज द इंटरेस्ट रेट स्वॉप। एंड देन वी हैव द वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का वैल्यूएशन करना है तो सबसे बेस्ट होता है सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, इसको बोलते हैं सेल्स कॉम्प। मैंने रियल लाइफ में ये चीज की हुई है व्हेन आई वाज विद जेपी मॉर्गन। तो क्या होता है कि भाई आपका अगर रियल एस्टेट है तो आपके आजू बाजू के एरिया में अगर कोई सेल्स हुआ है देन इन दैट केस उसके कंपैरिजन में आप अपना रियल एस्टेट का वैल्यू कर सकते हो। इनकम अप्रोच के भाई कितना इनकम जनरेट कर रहा है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के हिसाब से कर सकते हो। कॉस्ट अप्रोच के भाई टोटल कितना कॉस्ट लगा उसके ऊपर एक मार्जिन ऐड कर दिया, या डिस्काउंटेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो अप्रोच। सो ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज टू वैल्यू द रियल एस्टेट। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर एक्सपेक्टेड फॉर द चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर बाद में आता है सिक्योरिटाइजेशन, ये अपना ऑलरेडी हो गया। उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या करते हैं, समझो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है तो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ म्यूचुअल फंड। सो एक्सचेंज ट्रेडेड नाम में ये देखो क्या लिखा है कि एक्सचेंज में ये ट्रेड होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में इसका ट्रेडिंग होता है, बट इट विल पिक अ पर्टिकुलर बेंचमार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिया जो निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, तो वो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है एक्जैक्टली जैसा जैसा इन्वेस्टमेंट निफ्टी में है ना वैसे ही इन्वेस्टमेंट ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में से निफ्टी ने 20 रुपीज का है, 20% का वेट है एचडीएफसी का, तो आपका भी जो निफ्टी ईटीएफ है वो 20 रुपीज एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर देगा 100 में से 10 रुपीज आपका इन्फोसिस में, तो आपका भी निफ्टी ईटीएफ 10 रुपीज इन्फोसिस में इन्वेस्ट करेगा। सो दे विल ट्रैक एग्जैक्टली वन बेंचमार्क। से फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है तो आप उसके ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको लग रहा है केमिकल सेक्टर ऊपर जाने वाला है तो आप केमिकल का ईटीएफ ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इधर लिखा है इंडेक्स ईटीएफ, तो इंडेक्स ईटीएफ मतलब आपका निफ्टी सेंसेक्स हो गया। कमोडिटी ईटीएफ, आपको लग रहा है गोल्ड कि भाई गोल्ड बहुत ऊपर जाने वाला है तो आप गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कमोडिटी ईटीएफ। फिर बाद में बॉन्ड ईटीएफ, द इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, या फिर करेंसी ईटीएफ अगर आपको लग रहा है कि पार्टिकुलर करेंसी के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सो दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज द करेंसी ईटीएफ। सो ईटीएफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। टाइप ऑफ ईटीएफ में याद रखना है इंडेक्स ईटीएफ, करेंसी ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, एंड देन देर इज बॉन्ड ईटीएफ। ट्रैक्स देखा एन इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड और बास्केट ऑफ assets like an index fund, so I hope we are clear. फिर बाद में आ जाता है मेरे दो terms associated with the mutual funds, एक है trail commission और दूसरा है side pocketing. Trail commission का मतलब होता है कि जब आप commission pay करते हो किसी mutual fund distributor को, that basically is called as a trail commission. And side pocketing is a different fundamental thing. तो से फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट किया होता है, उसमें से कुछ अगर उसके इन्वेस्टमेंट बिकम्स बैड, बैड मतलब दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो फॉर सम टाइम इट विल कीप इट अवे एंड इन्वेस्ट, मतलब ओनली द गुड फंड्स विल बी रिफ्लेक्टेड टू द इन्वेस्टर्स। वंस दोज बैड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट बिकमिंग गुड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मेन थिंग। सो ये देखो ट्रेल कमीशन इज द अमाउंट दैट अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पेज टू इज एडवाइजर ईच ईयर। Purpose of charging this commission from investor is to provide incentive to the advisor to review the customer's holding and give advice from time to time. And side pocketing mein kya hota hai? Separation of risky assets from other investments and cash holding. So bad, it would not be the right word. So risky assets jo bhi hai, wo risky assets ko separate kar dete hai. Purpose is to make sure that money invested in a mutual fund is linked to stressed assets, gets locked until the fund recovers the money from them. तो वो stressed asset use कर लो, word risky asset word use कर लो, and that's what it is to avoid distressed selling of illiquid securities. फिर बाद में आता है tracking error. तो say for example आपने अपने mutual fund को किसी के साथ track किया कि भाई देखो Nifty का return है 12% but हमारे mutual fund का return आया 15%, so that basically is called as the tracking. तो अभी इसमें कितना difference आ रहा है, that is called as the tracking error. Can be the divergence or deviation of a fund's return from the benchmark it is following. It could be a benchmark like a Sensex, it could be Nifty, it could be a combination of Nifty or सेंसेक्स, तो उसमें जो भी डाइवर्जेंस या डिविएशन आ रहा है आपके म्यूचुअल फंड में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ट्रैकिंग एरर। टू उसका फॉर्मूला है डी माइनस डी बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन का रूट, एंड देन देयर इज रीजंस फॉर ट्रैकिंग एरर।
कभी कभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फंड एक्सपेंसेस, कैश होल्डिंग, फीस चार्ज बाय एएमसीज, दिस कुड बी द रीजंस फॉर द ट्रैकिंग एरर. सो दिस आर द क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चैप्टर म्यूचुअल फंड्स. फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग डेरिवेटिव चैप्टर के ऊपर. इसमें आता है क्रेडिट डेरिवेटिव्स. मेरा एक्सपेक्टेशन है दैट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप के ऊपर इस बार क्वेश्चन आने वाला है. अगर मैं एग्जामिनर हूं देन डेफिनेटली मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप के ऊपर एक क्वेश्चन बताऊंगा. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप के ऊपर एक अच्छा वीडियो मैंने बनाया है. इफ यू हैव टाइम प्लीज एंश्योर कि आप लोग वो भी देख लो. अभी इसमें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप मतलब दे आर बेसिकली क्रेडिट डेरिवेटिव. मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है देन इन दैट केस वो लोन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो या लोन को बेटर वे में यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड एज द क्रेडिट डेरिवेटिव. अभी यहाँ पे बीच में एक और एक पॉइंट है क्रेडिट कमोडिटीज स्वॉप. सो इसमें कमोडिटी स्वॉप्स आर कैरेक्टराइज बाई सम पिक्यूलरिटीज एंड द फैक्टर्स विच वी मस्ट अकाउंट फॉर. जैसे क्या कॉस्ट ऑफ हेजिंग है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विडिटी इन द मार्केट, सीजनैलिटी, वेरिएबिलिटी ऑफ बिड ऑफर, ब्रोकरेज फीस, ऑल ऑफ दैट. अच्छा, ब्लैक एंड शोल्स के अजम्पशन ये आप लोगों को थियरी में आ सकता है. सो यहाँ पे ब्लैक एंड शोल्स में इट इज अज्यूम के वो जो भी ऑप्शन है वो यूरोपियन ऑप्शन है. स्टॉक प्राइस इज सिमिलर टू अ रैंडम वॉक. मतलब एनी चेंजेस इन द प्राइस इज पॉसिबल. वेरियंस इज देयर ओवर द कॉन्स्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन ऑप्शन. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर नोन. स्टॉक रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है. स्टॉक्स डू नॉट पे डिविडेंड. तो आप लोगों को तीन चार अगर याद रखने तो यूरोपियन ऑप्शन होती है ब्लैक एंड शोल्स में. ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रखता है. स्टॉक्स डू नॉट पे एनी डिविडेंड एंड दे आर सिमिलर टू अ रैंडम वॉक. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ऑब्वियसली प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन. भाई स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी ऊपर नीचे होगा. एक्सपायरी जितना पास में आएगा उतना चेंजेस विल हैपन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन एंड वोलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइसेस. टाइप ऑफ एक्सोटिक ऑप्शन. अभी इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाइज नहीं लिया बट इसमें से तीन चार आप लोग याद रख सकते हो. जैसे बास्केट ऑप्शन, स्प्रेड ऑप्शन, लुक बैक, एशियन बाइनरी. इसका मैंने वीडियो बनाया डिटेल वाला. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट रिमेंबर दीज फ्यू ऑफ देम. सो बैरियर, बर्मुडा, बास्केट, स्प्रेड, लुक बैक इज द अदर फ्यू. फिर बाद में आता है सीडीओज व्हिच इज कॉल्ड एज कोलैटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन. फ्रेंकली स्पीकिंग अगर तुम लोग ने मेरा सिक्योरिटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट सुना है ना तो सिक्योरिटाइजेशन ही है. सो डेट ऑब्लिगेशन के ऊपर अगर अपन लोग एक नया इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं. सो से फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन देता है, लोन के सामने कुछ मोर्टगेज के प्रॉपर्टीज पेपर्स आ जाते हैं, उसके बेसिस पे एक नया इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया एंड देन दैट इज इन्वेस्टेड, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ सीडीओ. यू कैन जस्ट रीड तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा. फिर बाद में आता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप. तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को लोन दिया है एंड मेरे को लग रहा है कि वो सामने वाला डिफॉल्ट करने वाला है तो मैं वो जो लोन का है रिपेमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन जो मेरे को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप इश्यू करेगा. अब आई एम टेंशन फ्री. अब होगा क्या, जैसे मैंने जिसको भी लोन दिया है वो मेरे को जैसे ही प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपे करेगा उसमें से थोड़ा कमीशन मैं पास करूंगा जिसने मुझे सीडीएस दिया है. अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया तो द पर्सन हु हैज गिवन मी द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप विल रीपे मी द होल अमाउंट एंड देन वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप वाला है वो उसके पास से पूरा का पूरा पैसा रिकवर करेगा. आई एम टेंशन फ्री. बट ऑब्वियसली उसके लिए मेरे को एक प्रीमियम देना पड़ेगा. इट इज लाइक एन इंश्योरेंस. तो मैं इसको इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं. अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया देन इन दैट केस वो मेरे को पूरा पैसा दे देगा एंड वो उससे रिकवर करेगा. अपने को टेंशन नहीं है. अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया देन इन दैट केस जो मेरा कॉस्ट है दैट विल बेसिकली बी माय इंश्योरेंस प्रीमियम. सो क्रेडिट लोन गिवन डिफॉल्ट नॉन पेमेंट एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटी और रिस्क इज व्हाट इज बीइंग डन. इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. सो इट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड. फीचर्स का क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर. नॉट ट्रेडेड ऑन एनी एक्सचेंज. कोई एक्सचेंज में नहीं है तो पर्सनल लेवल पे ये चीजें होती है. यूजेस क्या क्या है इसका, हेजिंग के लिए, आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो. ओके, देन कम्स द ऑप्शंस. अभी ऑप्शंस में बहुत सारे ये है. ऑप्शन ग्रीक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लास्ट तीन चार अटेम्प्ट से बोल रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, अभी तक आया नहीं है. यू नेवर नो. सो पहला है मेरा डेल्टा हेज. तो कि भाई अगर मेरे को ऑप्शंस, देखो शेयर्स को ऑप्शन से अगर हेज करना है तो दैट बेसिकली इज डन बाय द डेल्टा हेज रेशियो. सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट पर ऑप्शन. सो अगर मैंने ऑप्शंस लिया और मेरे को ऑप्शंस में लग रहा है दैट देयर इज अ डिविएशन व्हिच मे हैपन तो मैं शेयर्स भी ले सकता हूँ. सो कितने शेयर्स ले सकता हूँ पर ऑप्शन, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला चेंज इन वैल्यू और प्रीमियम ऑफ ऑप्शन अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस. दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द हेज रेशियो. सो फॉर एग्जाम्पल डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर है तो यहाँ पे मार्केट प्राइस आप लोगों को चेंज होते हुए दिख रहा है एंड प्रीमियम भी चेंज होते हुए दिख रहा है. सो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा दैट देयर इज अ 0.5 पर शेयर आप लोगों को लेना है. फिर बाद में 0.5 शेयर लेना है पर कॉल ऑप्शन. फिर बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ वेगा.
आपका जो ऑप्शन है उसका जो रिस्क है दैट बेसिकली इज डिटरमाइंड बाय वेगा. तो सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन वैल्यू इन चेंज इन वोलेटिलिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ ऑप्शन इन ऑन अकाउंट ऑफ 1% चेंज इन वोलेटिलिटी. तो आपने जो भी कंपनी का शेयर का ऑप्शन लिया है, अगर उस शेयर में चेंज हो रहा है उसका रिस्क, देन इन दैट केस ऑप्शन के वैल्यू में कितना चेंज होगा इज गिवन बाय द वेगा. थीटा टाइम चेंज होने की वजह से फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑप्शन का मेच्योरिटी है 2 months के बाद, तो उसका प्रीमियम होगा 200 रुपीज. अब जैसे जैसे वो टाइम पास होते जाएगा, एवरी डे द प्रीमियम विल चेंज. सो फॉर 1 day हाउ मच प्रीमियम इज चेंजिंग, दैट बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा, अ मेजर ऑफ टाइम डिले. रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टाइम. सो एक चेंज इन टाइम की वजह से, दूसरा है वेगा चेंज इन वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से, तीसरा है डेल्टा विच इज नंबर ऑफ शेयर्स पर कॉल, फिर बाद में है आरएचओ इंटरेस्ट रेट की चेंज की वजह से डिफरेंस इन ऑप्शन वैल्यू. सो अगर जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चलते हैं ना, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, उसमें अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मेरे ऑप्शंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आरएचओ. यूज्ड टू मेजर सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शंस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंडिकेट्स हाउ मच ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट की वजह से ऑप्शन का क्या ऊपर चेंज हो रहा है, आरएचओ. वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से ऑप्शन के ऊपर जो चेंज हो रहा है वेगा, टाइम की वजह से जो ऑप्शंस का जो प्राइस चेंज हो रहा है थीटा, फिर गामा. हाँ, गामा इज बेसिकली कॉल्ड एज डेल्टा ऑफ डेल्टा. सो यहाँ पे अगर डेल्टा का ही चेंज है, देन इन दैट केस फॉर एग्जांपल पॉइंट, अभी फिलहाल मेरा डेल्टा दिखा रहा है कि फॉर 0.5 ऑप्शंस 1 शेयर लेने का जरूरत है या वैसे वैसा. अब इसमें भी अगर कोई चेंजेस हो रहा है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज गामा, कॉल्ड एज डेल्टा ऑफ डेल्टा. मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मूव इन द अंडरलाइंग एसेट्स. सो अभी वो अंडरलाइंग एसेट्स के चेंज होने की वजह से डेल्टा चेंज होते जाएगा, एंड दैट बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड एज गामा. सो ऑप्शन ग्रीक्स में 5 चीजें, डेल्टा, तो अगर आपको डेल्टा याद रखना हो तो चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन शेयर प्राइस, फिर वेगा वोलेटिलिटी का इंपैक्ट ऑन ऑप्शन वैल्यू, तो बेसिकली डिफरेंस इन ऑप्शन वैल्यू अपॉन डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर थीटा टाइम चेंज होने की वजह से ऑप्शन वैल्यू में चेंज, तो डिफरेंस इन ऑप्शन वैल्यू अपॉन डिफरेंस इन टाइम, फिर आरएचओ डिफरेंस इन ऑप्शन वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट, लास्ट इज योर गामा जो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा ऑफ डेल्टा. नेक्स्ट फॉरेक्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, नोस्त्रो वोस्त्रो और लॉरो अकाउंट के ऊपर. तो नोस्त्रो का मतलब होता है आर अकाउंट विद यू, याद रखना. अगर एचडीएफसी बॉम्बे का अकाउंट ओपन होता है बैंक ऑफ जापान टोक्यो में, इट इज कॉल्ड एज नोस्त्रो. फिर बाद में होता है वोस्त्रो, योर अकाउंट विद अस, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है नोस्त्रो वोस्त्रो लॉरो के ऊपर. सो प्लीज उसको ध्यान से करना. आर अकाउंट विद अस मतलब से बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क ओपन अकाउंट विद एक्सिस बैंक मुंबई, इट इज अ वोस्त्रो अकाउंट. एंड लॉरो इट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट, से फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी का नोस्त्रो अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क के साथ, एंड कोई लोकल सारस्वत बैंक है जिसने HDFC के साथ एक नोस्ट्रो काइंड ऑफ अकाउंट खुलवाया, सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ लॉरो अकाउंट. सो दीज आर कॉल्ड एज नोस्ट्रो वोस्ट्रो एंड लॉरो अकाउंट कैन कम. इट इज एन अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक बैंक विद फॉरेन बैंक फॉर फॉरेन करेंसी, एंड देन फॉरेन बैंक अगर इंडिया में ओपन करवा रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी में, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी डोमेस्टिक बैंक अकाउंट ओपन करवाता है विद समबडी हु हैज अ नोस्ट्रो बैंक अकाउंट ऑन अदर बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉरो अकाउंट. फिर बाद में आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यहाँ पे अपने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ADRs एंड द GDRs. ADR इज कॉल्ड एज द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिपोर्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड GDR इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. से फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस है, एंड इन्फोसिस वॉन्ट्स अ मनी, फंडिंग चाहिए उसको, तो एक तो फंडिंग वो अपने लोकल जो इंडिया के लोग हैं उन लोग से आईपीओ के थ्रू ले सकता है, बट आईपीओ एफपीओ हो गया, अब उसको और फंडिंग चाहिए, तो इट कैन इवन गो टू आउटसाइड इंडिया. से फॉर एग्जांपल यूएसए के जो इन्वेस्टर्स है दे आर डिमांडिंग द इंफोसिस का शेयर, एंड इंफोसिस नीड्स फंड्स, सो इंफोसिस विल गिव इट्स शेयर्स टू अ डिपॉजिटरी इन इंडिया, दैट डिपॉजिटरी विल गिव द शेयर्स टू द डिपॉजिटरी इन अमेरिका, और अमेरिका वाले फिर उसको लिस्ट कर देंगे अपने स्टॉक एक्सचेंज में. तो जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो इट विल नॉट बी लिस्टेड एज अ शेयर, इट विल बी लिस्टेड एज अ डिपॉजिटरी. क्यों? क्योंकि उसके लोकल कंट्री का नहीं है ना, अमेरिका का नहीं है, इंडिया का है, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट. सो अमेरिका में अगर लिस्ट हुआ तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अगर कहीं और हुआ इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. तो इन्फोसिस ने अगर लंडन के स्टॉक एक्सचेंज में डाके लिस्ट किया, इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिस्टेड इन लंडन. ये अगर यूएसए न्यूयॉर्क में एनवाईएससी में कहीं पे लिस्ट हुआ, इट इज कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिस्टेड इन न्यूयॉर्क. समझ में आ गया आप लोगों को? सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द एडीआर. सो एडीआर आर इश्यूड टू रेज फंडिंग
एंड लिस्ट शेयर्स इन यूएस डॉलर. इंडियन कस्टोडियन ट्रांसफर्स इट्स कंपनी सिक्योरिटीज टू डिपॉजिटरी इन यूएसए. यूएसए इश्यूज एडीआर टू द इन्वेस्टर्स इन यूएसए बेस्ड ऑन सिक्योरिटीज. बस उसके बेसिस पे ये पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है. यूएस डॉलर रिसीव्ड बाय सेलिंग एडीआर इज ट्रांसफर टू द इंडियन कंपनी. एनवाईएसई नैसडेक के ऊपर ये पूरा का पूरा ट्रेड होता है. एंड सेम थिंग इज विद जीडीआर, बट इट इज जस्ट दैट फिर वो अमेरिका में नहीं होगा. द लिस्टिंग विल बी डन आउटसाइड अमेरिका. फिर बाद में होता है एफ सी सी बी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आज वो बॉन्ड है, कल वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड वेन इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी इट इज कॉल्ड एज फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. तो से फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से कोई भी कंपनी से लंडन से कोई कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, सो इट विल इशू एफ सी सी बी इन इंडिया, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. या वाइस वर्सा, से फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई कंपनी है से जोमैटो, जोमैटो को पैसा चाहिए, तो इट विल इशू अ एफसीसीबी आउटसाइड इंडिया एंड फॉरेन करेंसी में पैसा आ जाएगा उसके पास. एंड इट विल ऑल्सो इशू कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो फ्यूचर में वो इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकता है. सपोज इन्फोसिस इशूज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इन यूएस डॉलर दैट इज फॉरेन करेंसी, इट विल बी एफसीसीबी दैट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड इन अ करेंसी अदर देन इशूअर्स डोमेस्टिक करेंसी. कन्वर्टेबल मिक्स है बिटवीन डेट एंड इक्विटी, इसके लिए प्रीमियम चार्ज किया जाता है, रेगुलर कूपन भी मिलता है एंड वैल्यू भी इसका फ्यूचर में इंक्रीज होने का चांसेस है बिकॉज इक्विटी इज इन्वॉल्व. एडवांटेज क्या है इसका, द एबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी, अलाउ डिले डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी, इजी टू मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट भी है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी है इक्विटी का. रिस्क ये है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो आपने अगर फॉरेन एक्सचेंज लिया है बट फॉरन एक्सचेंज इफ डेप्रिसिएट्स और अप्रिसिएट्स तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा. लो इंटरेस्ट रेट अराउंड 3-4% ओनली, सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट इज लोअर एज कंपेयर टू जनरल बॉन्ड्स, सो दिस इज द डिसएडवांटेज. फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिंग. नेटिंग का मतलब क्या होता है, से यूएसए, यूएसए के दो सब्सिडियरी है, एक इंडिया में एक जापान में. अब देर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड जापान. इंडिया परचेजेस $1 lakh वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम जापान, जापान परचेजेस $2 lakh वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया. तो ये लोग 1 lakh 2 lakh का ट्रांजेक्शन से अच्छा नेट ऑफ कर सकते हैं. सो से इन्वेस्टर ए ओज बी $25,000, बी ओज ए $1 lakh, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, नेट ऑफ कर सकते हैं 1 lakh and 25,000 को, तो से $75,000 नेट ही पे करेगा जिसको भी पे करना है. बायलैटरल नेटिंग में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है. यहाँ पे देखो एक्स एन वाई, एक्स एन वाई एंड डॉलर, देखो 20-30 एंड नेट $10 में सेटल हो गया. दैट इज कॉल्ड एज द बायलैटरल नेटिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडियरी और बिटवीन टू सब्सिडियरी. एंड देन फिर बोलते होता है मल्टीलैटरल नेटिंग. यहाँ पे क्या होता है, ईच एफिलिएट नेट्स ऑल इट्स इंटर एफिलिएट रिसीव्स अगेंस्ट डिसबर्समेंट. तो पी विद क्यू, क्यू विद आर, आर विद पी, ये सब इंटरनली जब सेटल हो जाता है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द मल्टीलैटरल नेटिंग. आई होप वी आर क्लियर. फिर बाद में आता है आईएफ सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो गिफ्ट सिटी ओपन हुआ है फिलहाल गांधीनगर में. दैट इज ऑल्सो गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गिफ्ट सिटी में बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैन हैपन विदाउट अधियरिंग टू द लॉज ऑफ इंडिया. तो गिफ्ट सिटी में लॉज अलग से बनेगा, वहां पे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए द लॉज आर वेरी इजी एंड वेरी मच बेनिफिशियल. फाइनेंशियल सेंटर केटर्स टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर आउटसाइड देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन. इट इज अ हब दैट डील्स विद फ्लो ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इवन दो इन ओन लैंड बट विद डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलेशन एंड लॉज. याद रखना, अब आईएफसी का बेनिफिट क्या है, जो भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स वर्किंग आउटसाइड इंडिया कैन कम टू इंडिया, बिकॉज इंडिया वाला रूल्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया का रूल्स है. प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिफाइड टैलेंटेड प्रोफेशनल स्टॉप्स ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया, ब्रिंगिंग बैक दोज फाइनेंशियल सर्विसेज जो अदरवाइज खाली अब्रॉड होता है. एंड ट्रेडिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इज ऑल्सो पॉसिबल. कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, खाली आपको मेन याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए. जैसे गांधीनगर में सेटअप किया है ना, गांधीनगर हैज अ वेरी स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द लास्ट एटलीस्ट 20 इयर्स. स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी गुड. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज क्लियर एंड इट ऑल्सो शुड हैव अ सस्टेनेबल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर. फिर बाद में होता है सॉवरिन वेल्थ फंड. सो यहाँ पे ये स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे अबू धाबी का एक इन्वेस्टमेंट फंड है दैट इज कॉल्ड अ सॉवरिन वेल्थ फंड. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर पैसा चाहिए तो इट कैन इशू अ सॉवरिन वेल्थ फंड. सो देखो, जनरली डिराइव बाय गवर्नमेंट फ्रॉम कंट्रीज ओन सरप्लस रिजर्व्स, SWFs आर प्रोवाइड अ बेनिफिट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी एंड इट्स सिटीजंस. ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. The legal basis of these are created varies from government to government. So basically, government, अगर कोई fund set up करता है, it is called as a sovereign fund. Surplus reserves,
बैंक रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस, मनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, ये सब सॉवरेन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। हेल्प क्या क्या है? प्रोटेक्शन, स्टेबिलाइजेशन ऑफ आर ऑफ गवर्नमेंट्स मनी, डाइवर्सिफाई कर सकता है गवर्नमेंट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकता है, सेविंग्स इंक्रीज हो जाता है अपना, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ हो सकता है, पॉलिटिकली वी आर सिक्योर। ऑल ऑफ दीज आर फ्यू बेनिफिट, स्टेबिलाइजेशन ऑफ फंड, सेविंग फ्यूचर जनरेशन, पब्लिक बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ सोवरेन वेल्थ फंड, वेरियस टाइप्स ऑफ सोवरेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। क्या क्या है? तो टाइप्स ऑफ सोवरेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आर सोवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक पेंशन, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एंड सोवरेन वेल्थ एंटरप्राइजेस। सो दीज आर फ्यू बोलते ना सॉवरिन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। क्या क्या? सॉवरिन वेल्थ फंड में डाल सकते हो, पब्लिक पेंशन फंड में डाल सकते हो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में डाल सकते हो एंड सॉवरिन वेल्थ एंटरप्राइज में डाल सकते हो। तो ये चार जगह पे आप जो भी है गवर्नमेंट का पैसा डाल सकते हो। क्यों डालते हैं? स्टेबिलाइजेशन के लिए, सेविंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन, पब्लिक पेंशन क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो जाता है अपनी कंट्री का, फॉरेन करेंसीज इज ऑलवेज देन सिक्योर्ड, इंक्रीज सेविंग्स, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर ऑफ एज रिगार्ड सॉवरेन फंड्स इज कंसर्न। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वॉप आता है। तो स्वॉप इज बेसिकली जहां पे से, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फिक्स रेट इंटरेस्ट है, मेरे कोई और कस्टमर है उसके पास फ्लोटिंग रेट है, एंड आई वांट अ फ्लोटिंग एंड ही वांट्स अ फिक्स, तो वी कैन एंटर इनटू अ स्वॉप। तो इंटरेस्ट के ऊपर हो सकता है, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, इक्विटी, करेंसीज, स्वॉप कैन हैपन इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, समथिंग कॉल्ड एज अ स्वॉप्शन। सो स्वॉप्शन क्या होता है? स्वॉप प्लस ऑप्शन। तो जरूरी नहीं है मैं एक्सरसाइज करूं। तो से फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे पास एक फिक्स्ड रेट लोन है, मैंने स्वॉप लिया फ्लोटिंग का, बट मैंने स्वॉप नहीं लिया, मैंने एक स्वॉप्शन लिया फ्लोटिंग का। अब मार्केट का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा और मेरा फिक्स्ड है और इट इज नॉट बेनिफिशियल टू मी, तो आई विल नॉट एक्सरसाइज इट। मैं उसके लिए एक प्रीमियम पे कर चुका हूं, स्वॉप प्लस ऑप्शन, प्रीमियम पे किया तो मेरे पास राइट टू एक्सरसाइज आ गया। अब अगर मेरे को एक्सरसाइज करना है तो मैं करूंगा, इफ इट इज फेवरेबल टू मी आई विल एक्सरसाइज, इफ इट इज नॉट फेवरेबल टू मी आई विल नॉट एक्सरसाइज, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ स्वॉप्शन। तो मैंने एक स्वॉप लिया है बट मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को एक्सरसाइज करना है कि नहीं, बट वो ऑप्शन के लिए मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू आर क्लियर। सो ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट स्वॉप इज कॉल्ड एज अ स्वॉप्शन, गिव्स द होल्डर द राइट टू एंटर इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वॉप एट स्पेसिफिक डेट एंड रेट इन फ्यूचर। टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या क्या है? एक होता है फिक्स रेट पेयर स्वॉप्शन, दूसरा होता है फिक्स रेट रिसीवर, और उल्टा भी होता है, एक होता है फ्लोटिंग रेट पेयर एंड एक होता है फ्लोटिंग रेट रिसीवर, बट फॉर नाउ वी विल जस्ट स्टिक टू फिक्स रेट पेयर स्वॉप्शन। पे द फिक्स लेग एंड रिसीव द फ्लोटिंग, सिंपल। तो फिक्स रेट वाले में क्या होता है? आप पे करोगे फिक्स्ड, रिसीव करोगे फ्लोटिंग। अब आपको ये एक्सरसाइज करना है ये चीज तो करो, अदरवाइज डोंट एक्सरसाइज, आपके पास ऑप्शन रहता है ये चीज का। रिसीव द फिक्स लेग एंड पे द फ्लोटिंग लेग, दिस इज बेसिकली, दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ स्वॉप्शंस। फिर बाद में आता है फीचर्स एंड यूजेस ऑफ स्वॉप्शन। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स एंड यूजेस ऑफ ऑप्शन। तो एट एक्सपायरी दे आर मार्क टू मार्केट एंड डिफरेंस इज सेटल्ड इन कैश, ठीक है ना। तो अभी मैंने से फॉर एग्जाम्पल फिक्स लिया है और फ्लोटिंग मेरे बेनिफिट में आ रहा है, तो और फ्लोटिंग का मैंने ऑप्शन लिया है, तो मैं खाली डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा। स्वॉप्शन प्रीमियम जो पे करते हैं उसको बोलते हैं बेसिस पॉइंट। स्वॉप्शन पीरियड टाइम मींस टाइम बिटवीन ट्रांजैक्शन डेट एंड एक्सपायरी डेट। किसका यूज क्या है तो उसको याद रखना, इसको जो ट्रांजैक्शन डेट एंड एक्सपायरी डेट का जो टाइम है उसको बोलते हैं स्वॉप्शन पीरियड। जो स्वॉप्शन का प्रीमियम है इसको बोलते हैं बेसिस पॉइंट्स। राइट, डन। फिर यूजेस क्या क्या? यूज फॉर स्पेक्युलेशन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑन कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड्स, यूजफुल टू बोरोवर्स टारगेटिंग एन एक्सेप्टेबल बोरोइंग रेट। सो दीज आर द यूजेस। क्या? यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन, आप आपको लग रहा है स्पेकुलेशन करना है आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड के हिसाब से यूज करना है यू कैन यूज इट, यूजफुल टू बोरोवर्स टारगेटिंग एन एक्सेप्टेबल बोरोइंग रेट। सो मेरे को फिक्स का फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का फिक्स बोरोइंग रेट मेरे को फ्रीज करना है, आई कैन यूज दैट ऑल्सो। डन। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड एज द मर्जर। सो अभी देखो क्या क्या मेरे टाइप्स ऑफ मर्जर है। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब सेम इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया सेम इंडस्ट्री, सेम लेवल, एवरीथिंग सेम, हॉरिजॉन्टल मर्जर। नेक्स्ट वर्टिकल मर्जर, वर्टिकल मर्जर मतलब या तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करोगे या तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करोगे, या तो आप अपने रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ टाइप करोगे या फिर आप अपने रिटेलर के साथ टाइप करोगे, कॉल्ड एज द वर्टिकल मर्जर। फिर बाद में होता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, देयर इज नो कनेक्शन
अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज का मर्जर अगर हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। को जेनरिक मतलब थ्री थिंग्स, मार्केट, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन किया। तो से फॉर एग्जाम्पल जब फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अक्वायर किया तो अपने मार्केट, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन कर, को जेनरिक मर्जर। रिवर्स मर्जर, जब टाटा स्टील पूरे वर्ल्ड में सिक्स रैंक था, कोरस पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक था, बट टाटा स्टील जो सिक्स रैंक था, अक्वायर्ड टाटा अक्वायर्ड कोरस, सो दैट वाज अ रिवर्स मर्जर। मतलब छोटा कंपनी बड़े कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, जिसको मर्ज कर रहा है, अपने आप को अक्वायर कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स मर्जर। फिर बाद में आता है टेक ओवर। टेक ओवर में चार है, स्ट्रीट स्वीप, बेयर हग, स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड ब्रांड पावर। स्ट्रीट स्वीप का मतलब होता है कि आप अच्छा खासा उसमें स्टेक ले लेंगे, व्हेन अक्वायरिंग कंपनी अक्यूमुलेट्स लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन अ टारगेट, तो अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको देने पड़ेगा। जैसे एनडीटीवी का खरीदने के लिए अडानी ने स्ट्रीट स्वीप किया था, टुक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स। फिर बाद में बेयर हग, व्हेन द अक्वायरर थ्रेटन्स द टारगेट कंपनी टू मेक एन ओपन ऑफर, बोला भाई ये ले, ब्लैंक चेक ले ले, जो अमाउंट लिखने का है लिख और कंपनी हमारे को भेज दे, बेयर हग। फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो एट टाइम्स टेक ओवर ना होके एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है, या कभी कभी ब्रांड पावर के बेसिस पे भी हो जाता है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ ब्रांड पावर। सो चार टाइप्स ऑफ टेक ओवर क्या क्या है, स्ट्रीट स्वीप, बेयर हग। स्ट्रीट स्वीप में आप धीरे धीरे बहुत सारा शेयर्स अक्यूमुलेट कर लेते हो इस कंपनी का। बेयर हग, आप ओपन ऑफर देते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, व्हाटएवर प्राइस यू वांट यू डिमांड। स्ट्रेटेजिक अलायंस, टेक ओवर नहीं किया बट आपने स्ट्रेटेजिकली अलाय कर लिया अपने आपके बिजनेस को उस दूसरी कंपनी के बिजनेस के साथ, एंड ब्रांड पावर के बेसिस पर इफ यू आर अकाउरिंग एनी कंपनी दैट इज कॉल्ड एज द ब्रांड पावर। फिर बाद में डिफेंसिव टैक्टिक्स, ये टेक ओवर मेरे को अगर नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को डिफेंड करूंगा, कैसे, बाय डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर मतलब अपना खुद का एक जो मेन एंटिटी है वो किसी और को दे देना, स्पिन ऑफ इंपॉर्टेंट बिजनेस एज अ सेपरेट कंपनी, क्राउन ज्वेल, सेलिंग ऑफ कंपनीज मोस्ट ल्यूक्रेटिव एसेट्स, तो मैं किसी और को सेल कर दूंगा, पॉइजन पिल, समटाइम्स एन अक्वायरिंग कंपनी इटसेल्फ बिकम्स अ टारगेट व्हेन इट इज बिडिंग फॉर अदर। टैक्टिक्स यूज, ये यहाँ पे है ना, जब एलॉन मस्क ने ट्विटर बाय करने का प्लान किया था, तब जो ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग ने पॉइजन पिल खाने का कोशिश किया। टैक्टिक्स यूज बाय द अक्वायरिंग कंपनी टू मेक इटसेल्फ अनअट्रैक्टिव टू अ पोटेंशियल बिडर, तो आप खरीदने की कोशिश नहीं करोगे। फिर होता है पॉइजन पुट, बॉन्ड्स इशू कर देते हो आप, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू कर देते हो, अब जो अक्वायर करने वाला है उसको लगे यार इतना सारा बॉन्ड्स इशू कर दिया है, फ्यूचर में ये बॉन्ड्स को रीपे करना पड़ेगा, तो आप नहीं खरीदोगे। फिर बाद में आता है व्हाइट नाइट एंड व्हाइट स्क्वायर, यू आर द टारगेट सेल्स अ मेजर स्टेक टू अ फ्रेंड कंपनी टू अवॉइड द टेक ओवर फ्रॉम अक्वायरर, दिस इज कॉल्ड एज द व्हाइट नाइट। तो आप एक फ्रेंड कंपनी को दे दोगे या आप कोई दूसरी कंपनी को अपना एक स्टेक सेल कर लोगे, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द व्हाइट स्क्वायर। फिर बाद में होता है गोल्डन पैराशूट, द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कॉम्पेंसेट देमसेल्व्स विद हेफ्टी एग्जिट पैकेजेस। मुझे लग रहा है कोई मेरे को टेक ओवर करने वाला है, मैं क्या करूंगा, कंपनी में से जितना भी कैश है अपने आपको एज ए रेम्यूनरेशन दे दूंगा और बोल दूंगा चलो मैं तो ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, ले टेक ओवर करना है कर ले अभी, तो वो गोल्डन पैराशूट से हाँ, मतलब मैं तो निकल गया और आराम से स्मूथली, अभी टेंशन ही नहीं। फिर आपने होता है ग्रीन मेल, टारगेट मैनेजमेंट ऑफर्स द अक्वायरर अ हायर प्राइस टू रीपर्चेज द शेयर्स बॉट बाय द अक्वायरर कंपनी। अब अक्वायरर कंपनी ने अपने को ले लिया, अब अपन उसको एक बेटर डील देके यू नो वी मे रीपर्चेज इट, एंड देन देयर इज पैकमैन डिफेंस रिवर्स, इसमें आप ही जो अक्वायरर है आपका उसी को आप एक डील दे देते हो, वेयर बाय टारगेट मेक्स अ काउंटर ऑफर ऑफ बाइंग अ स्टेक इन द अक्वायरिंग कंपनी। फिर बाद में इंटेंशंस बिहाइंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो ऑब्वियसली क्यों आप मर्जर एंड एक्विजिशन करते हो, फॉर अ सिंपल रीजन कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, कुछ आपको टैक्स बेनिफिट है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये सारी चीजों की वजह से आप मर्जर करते हो, कि भाई हो सकता है कि आप नॉर्थ में अच्छा हो, कोई और कंपनी साउथ में अच्छा है, तो नॉर्थ प्लस साउथ मिल जाएगा, सो ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ सकता है आपका, मैनेजमेंट में बिकम गुड, इकोनॉमीज ऑफ स्किल, डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है आपको कुछ ना कुछ, फाइनेंशियल बेनिफिट, बिकॉज अपन लोग ने मर्जर्स एंड एक्विजिशन में देखा है कि शेयर होल्डर का एमपीएस ईपीएस इंक्रीज हो जाता है, ऑल ऑफ द रीजंस बिहाइंड द मर्जर्स एंड एक्विजिशन। टाइप्स ऑफ डाइवेस्टमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ये भी आप सेल ऑफ कर दो अपना पार्ट या फिर स्पिन ऑफ कर सकते हो, कुछ एंटिटी को आप अपना अपने खुद के कंट्रोल से दूर कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। सो से फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर है, आप 10-10 रुपए के 10 शेयर बढ़ सकते हो, इक्विटी काव आउट कर सकते हो, तो काव आउट इज स्ट्रेटेजिक एवेन्यू वेयर वन ऑफ इट्स सब्सिडियरीज इज ग्रोइंग फास्टर एंड कैरिंग हायर वैल्यूएशन, तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल मेन कंपनी है जैसे वारी है, वारी एनर्जी है, और वारी एनर्जी की सब्सिडियरी है वारी पावर, वारी पावर इज ग्रोइंग बिगर देन मेन होल्डिंग कंपनी वारी एनर्जी, तो वो उसको एक अलग से इक्विटी काव आउट कर देंगे, उसको एक अलग ही कंपनी बना देंगे, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द इक्विटी काव आउट। फिर बाद में होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, सो से आप
एक होता है स्टॉक स्प्लिट, 100 रुपए का शेयर 10-10 रुपए का शेयर बना दो। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, आपके शेयर 2-2 रुपए के होते हैं, आप उसको ज्वाइन करके 10 रुपए का शेयर बना दोगे, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। इज अ प्रोसेस वेयर बाय कंपनी डिक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा, 2-2 रुपए के शेयर ज्वाइन करके 10 रुपए का शेयर बना दोगे तो 5 शेयर 1 शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। इन अ 5:1 रिवर्स स्प्लिट द कंपनी वुड टेक बैक 5 शेयर्स एंड रिप्लेस देम विद 1 शेयर। रीजंस फॉर रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा शेयर इतना कम प्राइस का है तो डिलिस्ट हो सकता है, तो उससे अच्छा मैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करके उसका प्राइस बढ़ा दूं तो डिलीस्ट नहीं हो पाएगा। म्यूचुअल फंड के लिए इट विल बिकम अट्रैक्टिव, पेनी स्टॉक का नाम हट जाएगा एंड अवॉइड रिमूवल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडेक्स, इसके लिए मैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी कर सकता हूं बाद में। स्टार्टअप फाइनेंस है, आई थिंक वी आर डन। एक चैप्टर है बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन में अगर तुम लोगों को पता हो तो वो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज और वो सब वाला कुछ नया नया चीज है, वो थोड़ा एक्सटेंसिव है, तो उसका भी मैंने एक छोटा सा 1 घंटे का वीडियो बनाया है, उसको स्पीड पे देख लेना, तो एक चैप्टर इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। उसके अलावा बाकी यहाँ पे मेरी तरफ से मैं जितना भी पॉसिबल था सारा का सारा तुम लोगों के साथ ये जो इंडेक्स है उसका थियोरी कंप्लीट कर चुका हूं, जैसा मैंने आपको बोला। इंश्योर दैट प्लीज यू लाइक द वीडियो, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिसका भी AFM का एग्जाम अभी हो या फ्यूचर में कभी भी होने वाला है, दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू देम। एंड प्लीज एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2-3 बार सुन लेना इसको, सो दैट कोई भी थियोरी या MCQ रिलेटेड थियोरी क्वेश्चन आया यू विल बी इजिली एबल टू मैनेज इट। ठीक है गाइज, चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, डू शेयर इन द कमेंट्स कैसा लगा है आपको, और कुछ चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू with the same. Hasta la vista, keep smiling. Thank you so much. Take care. Bye-bye.